Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the demand of Sika Singh from Bihar, ये एक matrix की problem है और इसमें एक matrix का inverse हमको find करना है. Question ये है, find the missing numbers. यानी एक पहली matrix जो दे रखी है इसमें number यहाँ पर miss हैं. इन numbers को elements बोलते हैं. जैसे इस matrix में जो कि square matrix है, इसके element 5, 6, 4, 5 हैं. और राइट हैंड साइड में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि उसके लीडिंग डायगोनल में ओनली वन है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं. तो ये सेकंड ऑर्डर के सभी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और इस तरीके से लिखने का मतलब है कि हमको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है. क्योंकि जब हम जानते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन दे रखा हो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स की इनवर्स कहलाती है. यानी बी की इनवर्स ए हो जाएगी और ए की इनवर्स बी हो जाएगी. ए का इनवर्स यानी ए इनवर्स की वैल्यू बी के इक्वल होगी और बी इनवर्स की वैल्यू ए के इक्वल होगी. तो यहाँ पर हमें इस मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने का मतलब पूरी मैट्रिक्स निकालना है. इस मैट्रिक्स को अगर हम ए से डिनोट कर दें और इस मैट्रिक्स को बी से डिनोट कर दें तो ये राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको आई से डिनोट किया जाता है और ए का हमको इनवर्स निकालना है, सॉरी बी का इनवर्स निकालना है जो कि ए के इक्वल होगा. तो ए की वैल्यू मतलब इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना है जिससे इसके मिसिंग टर्म मालूम हो जाएंगे. यानी ये मैट्रिक्स बी है इसका इनवर्स निकालना है. तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमें अगर निकालना हो और वो सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको रीडली फाइंड कर सकते हैं. तो इसके लिए पहले तो हम शॉर्टकट मेथड बता दे रहे हैं, उसके बाद लॉग में जैसे कि प्रोसीजर है उसका फॉलो करते हुए इसको आपको सॉल्व करना होगा. तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स बी जिसे माना था हमने उसका इनवर्स यहाँ पर लिख देंगे तो ए के बराबर आ जाएगा. तो वन अपान में लिख दें इसका इंटू इसमें यानी फाइव का फाइव में 25 हो गया और 25 में से माइनस कर दें इनका इंटू कर दें फोर का सिक्स में इंटू कर दें क्रॉस में 24 तो वन आ गया. तो वन से डिवाइड कर दें और कोई फेंक नहीं पड़ेगा, नहीं वन ही आ जाएगा. और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जो लीडिंग डायगोनल में है तो उन एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दें. तो इंटरचेंज करने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट हैं उनके साइन को चेंज कर दें यानी माइनस सिक्स और ये हो जाएगा माइनस का फोर. प्लस थे दोनों, दोनों ही माइनस हो गए और वन को वन से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, वन आ जाएगा और वन से इसमें इंटू करेंगे तो फाइव माइनस सिक्स और माइनस फोर एंड फाइव. तो ए के जो मिसिंग टर्म्स ये पूछे गए थे वो सारे आ चुके हैं. ये तो एक शॉर्टकट मेथड हो गया सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को फाइंड करने पर का, कि यही हमने लिखना था इसको लिख दिया. वन को वन से डिवाइड किया तो यही मैट्रिक्स मिल गई. तो ए के सारे एलिमेंट जो मिसिंग थे वो पता हो गए, ये एलिमेंट फाइव है. अब इसको हम दूसरे मेथड से यानी इसको जो लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे. तो इस मैट्रिक्स को जो हमने इसे ए माना था और इस बी माना था तो उसी तरीके से इतना हमको लिखना पड़ेगा और इस बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा. और यहाँ तक तो वही करना है, यानी हमें इक्वेशन नंबर वन में वैल्यू रखना है, यहाँ तक तो यही करना है. उसके बाद ये इनवर्स निकाला, यहाँ तो डायरेक्ट निकाल दिया था, अब इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे. बी के इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे. बी तो आपके सामने है, बस जो मैट्रिक्स में था उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे जो 5, 6 एंड 4, 5 है. और इसका इंटू इसमें करेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस का हो जाएगा 24, डिफरेंस आ गया 1. अब इसके बाद में बी के जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स को, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है जिसके कोफैक्टर्स जो होंगे वो वी वन वन से डिनोट किए जाते हैं. इसका साइन इन दोनों को ऐड करेंगे यानी वन वन को टू आ रहा है, इवन है तो प्लस आता है, ऑड है तो माइनस आता है. तो यहाँ पर वन वन ऐड किया, इवन आया तो प्लस का आ गया. अब इस फाइव को
छुपा लेंगे, 5 के आने वाले रो यानी इस एलिमेंट की बात कर रहे थे तो इससे आने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे। बी मैट्रिक्स भी ऐसी और डिटरमिनेंट भी ऐसी, तो इसी का यूज़ कर रहे हैं जो हमें अभी नज़र आ रहा है। तो 5 को छुपा लिया तो ये 5 नज़र आया, तो इस 5 को डिटरमिनेंट में ऐसे लिख देंगे। और किसी एलिमेंट का डिटरमिनेंट वही नंबर होता है चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। अब नेक्स्ट निकालेंगे एलिमेंट V12 यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है जिसपे हमने पेन रखा हुआ है, और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो ये एलिमेंट हो गया 6। तो 6 से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो एलिमेंट जो भी बचेगा उसको एक डिटरमिनेंट में हमें लिखना होगा। और इससे पहले यानी 4 बचा था, फर्स्ट रो को छुपाया था और सेकंड कॉलम को छुपाया, जो बचा है यानी 4 दिख रहा वो लिख दिया। इसके साइन को भी लिखना होता है क्योंकि को फैक्टर में साइन होता है। और ये जो प्लेस है 1 2, तो इसे जोड़ेंगे 1 2 को 3 आ रहा, 3 ऑड है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। और इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू है, इसे मॉड ना समझिएगा, तो ये जो होगा एक, अगर एक ही एलिमेंट होता तो यही वैल्यू हो जाती है। अब बाकी जो एलिमेंट बचे हैं ये और ये, इनके भी हमें कोफैक्टर्स निकालना है। तो इस पोजीशन पर है, ये पोजीशन है सेकंड रो पे है 4, सेकंड रो है, फर्स्ट रो है ये, सेकंड रो पर है और फर्स्ट कॉलम में है, क्योंकि ये कॉलम फर्स्ट है और ये कॉलम सेकंड है, तो फर्स्ट कॉलम में है। तो इस पोजीशन को जब छुपाएंगे यानी सेकंड रो को ऐसे पेन रख लिया हमने और फर्स्ट कॉलम को छुपाया, तो 6 नज़र आ रहा, तो 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अभी साइन लिखना बाकी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाया, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 1 को 3 हुआ, ऑड आ रहा तो माइनस लगा देंगे यानी माइनस का 6 आ गया। और V22 निकालेंगे यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये 5 नज़र आ रहा था, इसमें 5 लिख देंगे। अभी हमें इसका साइन और लिखना है, 2 2 4 हो गया और 4 इवन होता है, इवन के लिए पॉजिटिव साइन यानी, और ये 5 के कुल आ गया। इस तरीके से बी के सारे को फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए और इन को फैक्टर्स से एक एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे P11, B12, B21 और B22। इस कोफैक्टर को बोलेंगे, इसका अगर इस जो मैट्रिक्स बनी है इसकी वैल्यू आ गई, रखते हैं इसमें B11 की वैल्यू 5, -4, -6 एंड 5। अब हमें यानी कोफैक्टर से ये मिल गई है एक मैट्रिक्स। अब इस B का एडजॉइंट निकालेंगे, जो B मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट, जो कोफैक्टर से जो अभी हमें मैट्रिक्स मिली है वो इसका ट्रांसपोज होती है। डैश लगा लें या T लिख दें, टी मीन्स ट्रांसपोज, डैश लगाएंगे तो उसका मतलब भी वही होता है। और ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान होता है, जो रो होते हैं उनको कॉलम में लिख देते हैं, यानी जो ऐसे लिखे थे उनको ऐसे लिखना है, 5 -4 ये रो में लिखे हुए हैं हॉरिजॉन्टल, इसे वर्टिकल में लिखना है -6 एंड 5, तो ऑटोमेटिकली रो कॉलम में बदल जाते हैं और कॉलम रो में बदल जाता है, तो एडजॉइंट आ गया बी का। और जैसे कि हम लोग डेफिनेशन जानते हैं बी का इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना है तो 1/ उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसके एडजॉइंट से। इसीलिए हमने बी का डिटर्मिनेंट पहले निकाला था जिसकी वैल्यू 1 आई थी, और एडजॉइंट अभी निकल गया है 5 -6 -4 एंड 5, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा मैट्रिक्स जो हम लोगों ने पहले भी आंसर निकाल रखा है, 5 -6 एंड -4 एंड 5। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग अस।